गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड के इन खूबसूरत गाँवों से। अभी यहाँ से नाश्ता करते हैं और आगे नीचे देवप्रयाग की तरफ बढ़ते हैं। आगे का सफ़र हमारा कंटिन्यू रखते हैं। अभी केदारनाथ काफ़ी दूर है, तो ऐसे ऐसे आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे। फिलहाल हमारा नाश्ता तैयार है और कल आपको मिले तो थे शायद दीदी से, ये भी वीडियो बना था। दीदी आपका नाम क्या? मेरा नाम रितिका है और मेरा यूट्यूब पे चैनल है पहाड़ी व्लॉगर रितिका के नाम से। और इन भैया जी से आप कल मिले थे? और ये छोटी सी गुड़िया अभी अभी उठी है। आपको हेलो करो। हेलो। कभी हमारे राजस्थान आओ घूमने आप भी। हाँ बिल्कुल जरूर। और वहाँ पर आपको पूरा राजस्थान घुमाएंगे आप। हाँ बोलते हैं कि हाँ जरूर, कभी प्लान नहीं बना रहे कहीं का। अभी आपकी छोटी है ना, तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो आना जरूर। ठीक है गुड़िया। ठीक है भैया। ओके ठीक है दीदी, आराम से जाना। हाँ हाँ जी ठीक है। यहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आप प्लेन में ये वीडियो देख रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। रात को ना ओढ़ कर सोना पड़ा और सुबह पानी मतलब स्नान किया, तो वो हमारे सर्दियों में होता है राजस्थान में वैसा ठंडा पानी, एकदम शरीर खुल गया और ठंड लाजवाब है। ये मौसम पसंद है राजस्थान में। थोड़ी अभी गर्मी है ज़्यादा भयंकर वाली, 47 और 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। ओके ठीक है भैया। अरे पक्का जरूर आना। ठीक है ओके। हाँ हाँ ओके जरूर भैया। तो अभी चल दिए यहाँ से। आप यहीं से रहने वाले ना? इसी गांव के। और ये ड्राइवर भैया अभी यहाँ प्रसिद्ध गाना है वो चला रहे हैं, और पीछे से देख सकते हो पूरी बुक है गाड़ी। तो आप सभी लोग है ना मेले में जा रहे क्या? या मनीष जी मेला कब लगता है? मेला अभी आज या ना कितने गेहूँ का पास पास में लगता है मेला? अप्रैल के ऐसे ही 16-17 को। अच्छा 13 तारीख है ना? हाँ 13 तारीख को लास्ट मेला है हमारे साइड का। अच्छा यहाँ पूरे देवप्रयाग में नजदीक का ऊपर का है ना गाँव का? कौन सा आपका वाली? हाँ यहाँ पर आते हैं ऊपर से सर। यहाँ पर आते हैं ना, वहाँ पर है चकिया पूरे, मतलब जो भी 4-5 गाँव है वहाँ के। अच्छा यहाँ पर आटा पीसने के लिए मतलब अनाज लेके आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर रख रहे हैं अभी। अच्छा यहाँ पर लेके आए, यहाँ पर टोल किया जाता है। ये चक्की इंजन से चलती है, लाइट से? लाइट से चलती है, इंजन से? लाइट से, लाइट से चलती है, लाइट से चक्की देख सकते हैं। अच्छा जो भी 4-5 गांव है उनका यहीं पर लेके आ गया है और यहाँ पर अभी टोल कर रहे हैं। यहाँ पिसाई कितनी है? पिसाई कितनी? पिसाई होगी 1 किलो कितने लेते हैं? 3 रुपये। 3 रुपये गेहूँ? गेहूँ और कौन सा गेहूँ पिसवाते हैं यहाँ? और कौन सा नाम? गेहूँ है, जोरा है, जोरा मुंगरी है। अच्छा जौ है, पौधा है मंडवा। कितना है? 22। कभी गाड़ी नहीं आती तो ना पैदल लेके आते हो क्या अनाज पिसाने के लिए यहाँ पर पैदल? अच्छा रात को वहाँ बारिश आई, धोखे सूखे थे और रात को सूख नहीं पाए। ये जस्ट संगम है, यहाँ पर बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास कोई ढाबा है, नीचे चलते हैं वहाँ पर। अभी वीडियो एडिट करके डाला बड़ा मशक्कत के बाद और अपलोड हो गए फाइनली। 12 बज रहे हैं, सुबह 8 बजे का डालना था। थोड़ा उत्तराखंड में रहेगा ये वीडियो वाला प्रॉब्लम, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे टाइम पर डालने की और आप अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। यहाँ पर अभी एडिट करके डाला है, ऊपर से लेकर है। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा अभी दूर मिलती है, नज़दीक मिलती नहीं है ना, दूर जाना पड़ता घास के लिए।
सुगई जी नीचे चल रही है भागीरथी नदी, उस तरफ आगे रह गया देवप्रयाग में संगम। अभी हम थोड़ा देवप्रयाग से बाहर आ गए, तो अभी हमें इस गाड़ी में हिचहाइकिंग मिली है, चलो इसके अंदर चलते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुधीर। Risk is my hobby, danger is my sham. तो हम आ गए अगस्त मुनि, यहाँ अभी ऊपर मंदिर है, चलते हैं देखते हैं क्या है रहने का। तो अभी मुझे मंदिर में रहने का तो मिल गए अगस्त मुनि जी मंदिर में, और यहाँ पर ये भैया जी मिले हैं। भैया जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य अग्रवाल। मेरा नाम ऋषभ अग्रवाल जी। आपका? करण। करण। प्रफुल्ल। सुमित। आप कहाँ से हो सभी? आगरा से। हम सभी आगरा से। आगरा से हैं सभी। अभी हमने मेरा वीडियो देखा, कैसा लगा वीडियो? वीडियो बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास। तो हम पीछे चंद्रपुरी से इनके साथ यही चेकिंग कर रहे हैं। सर जी तुम्हारा नाम क्या जी? सूरज। सूरज जी अभी नीचे चल रहे हैं थोड़ा रिवर की ओर, प्लान बनाया है नहाने का, देखते हैं कैसा पानी। ठंडा तो काफ़ी होगा सर जी? बहुत। शरीर पूरा खुल जाएगा तो बहुत होगा। यहीं से रास्ता आराम से हो जाए। काफ़ी तीव्र पानी आ रहा है, आराम आ गया यार, बैठी अंदर थोड़ा ठंडा ठंडा पानी। हाँ जी तो अभी हम हैं गुप्त काशी, यहाँ होटल पर खाना खाने के लिए रुके। वो नीचे रोड आ रही, वहाँ से अभी पूरा ऊपर चढ़ान करते हुए ऊपर आए गाड़ी। यहाँ संतरे लगभग 20 किलोमीटर आए और बारिश देख रहे चल ही रही रास्ते पूरे में, तो जगह जगह रोकना पड़ रहा है। हाँ सर जी क्या कहोगे? ये तो बोल रहे यहीं पर रूम ले लें, कभी अलग अलग मन बना रहे, क्या क्या कहना चाहोगे? इतने बस तंग हो गए बहुत ज़्यादा बारिश और चढ़ान। अभी जो साथ में भैया थे वो पता नहीं अभी भीड़ में पाई पीछे छूट गए, मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया नहीं। और अभी यहाँ सोनप्रयाग में पर्ची चेक की, और आगे जो भी फ़ोन में पीडीएफ होता है या यात्रा बुकिंग का या स्लिप होती वो देख के चेक करके आगे भेज देते हैं। ये सोनप्रयाग से आने के बाद यहाँ पर पुल है, और यहाँ पर ये सारी टैक्सीज लगी हुई हैं जो आगे गौरीकुंड के लिए ड्रॉप करती है, 50 रुपीज़ चार्ज करती है पर हेड, और गाड़ी फुल होने के बाद यहाँ से रवाना होती है। यहाँ से 5 किलोमीटर है गौरीकुंड। तो दोस्तों अभी हम गौरीकुंड आगे, यहाँ चेक पोस्ट से थोड़ा ऊपर आगे घोड़ा पड़ाव स्थल है वहीं पर, और यहीं से हम सुबह आगे ट्रैक करने वाले हैं आगे केदारनाथ के लिए। और अभी हम यहाँ कैंपिंग लगा के सोएंगे, और इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। और बारिश चल ही रही है।
जय भोले हर हर महादेव।